तो आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले समीकरण जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 11 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक चर वाले समीकरण को हल कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आपके पास उदाहरण है 3x + 2 = 8। तो हम इसे हल कैसे करते हैं? हल करने का एक साधारण सा तरीका आप देखें। अगर मैं इस दो को उधर लेके जाता हूं, जैसे मैं इसको लिखता हूं 3x = 8 - 2, तो ये बात आपको समझ आती है क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं। तो 3x = 6, तो x कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ गया 2। तो हम ये बोलेंगे कि x = 2 इस समीकरण का एक हल है। x = 2 इस समीकरण का एक हल है। एक और उदाहरण हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 × 1 - x, तो आप ये देख सकते हैं कि जो 4 है वो पूरे कोष्ठक से गुणा है। तो इसे हम कोष्ठक खोलेंगे। कोष्ठक कैसे खोलते हैं, ऐसे 4 को हमने गुणा किया पहले 1 से, माइनस 4 को गुणा किया x से। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर भी कोष्ठक खोलेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। तो आप अब ध्यान से देखें, मैं ये जो 2x है इसको इधर लाऊंगा और ये 4 को उधर लेके जाऊंगा। -4x - 2x, यहां +2x था, अगर मैं इधर लाऊंगा तो -2x हो जाएगा 10, और इधर +4 था, इधर मैं लेके आऊंगा तो -4 हो जाएगा। तो -6x = 6, अगर मैं -6 से डिवाइड कर दूं तो x = -1। तो x = -1 इस समीकरण का एक हल है। अब हम देखते हैं कि किसी भी समीकरण का सत्यापन करना क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी समीकरण है, आपने उसको हल किया और आपके पास एक उत्तर आ गया, आपको एक उत्तर प्राप्त हो गया। हम ये जांच करते हैं कि जो उत्तर हमारे पास आया है वो सही है या नहीं, उसे हम बोलते हैं सत्यापन करना। तो सत्यापन हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी समीकरण है तो उसका आपका कोई भी उत्तर आ गया, मान लीजिए x = कुछ भी, कोई भी एक चर है, तो मान लीजिए आपके पास एक कोई भी हल आ गया। तो हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, तो हम क्या करते हैं, x का जो भी मान हमारे पास आया है वो हम बायां पक्ष में भी रखते हैं और दायां पक्ष में भी रखते हैं। अगर बायां पक्ष बराबर आ जाता है दायां पक्ष के, तो हम ये बोल देते हैं कि इस समीकरण का और इस उत्तर का, इस हल का सत्यापन हो गया है, मतलब जो हमारे पास उत्तर आया है वो सही है। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है तो जो हमारे पास उत्तर आया है वो सही है, हम ऐसा बोल देते हैं। उदाहरण से समझें आप, जैसे ये उदाहरण जो हमने पहले थोड़ी देर पहले किया था, इसमें एक्स का मान हमारे पास आया था -1, तो इसका बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष मतलब बराबर का जो चिन्ह है उसकी बाएं तरफ, बराबर के चिन्ह की बाएं तरफ। तो बायां पक्ष है 4 × 1 - x। अब x की जगह हम -1 रखेंगे। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो 4 × 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। और हम देखते हैं दायां पक्ष इस समीकरण का है 2 × x + 5, ठीक है। अगर हम इसमें x = -1 रखेंगे तो ये आएगा 2 × 4, और वो भी आ जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, दोनों का मान 8 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने इस समीकरण का और इसके हल का सत्यापन कर लिया है
और हमारा जो उत्तर है वो सही है क्योंकि बायां पक्ष बराबर आ रहा है दायां पक्ष के। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, इसमें हम पहले तो सवाल को हल करेंगे और फिर उसका सत्यापन करेंगे। तो सवाल को हल कैसे करेंगे, ठीक है, यहां दो को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, यहां दो से भाग हो रहा है, अगर मैं दो को उधर लेके जाऊंगा तो दो से गुणा हो जाएगा, दो गुणा एक माइनस एक्स। अब मैंने आज जैसे आपको बताया था कोष्टक खोलते हैं, वैसे कोष्टक खोलेंगे, फिर से एक्स प्लस थ्री एक्स बराबर टू माइनस फाइव, इधर प्लस फाइव था तो इधर लेके जाएंगे माइनस फाइव हो जाएगा, या माइनस टू एक्स था तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा थ्री एक्स बराबर माइनस थ्री, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया माइनस एक, तो माइनस एक एक्स बराबर माइनस एक जो है वो इसका एक उत्तर है, इसका एक हल है। अब हम इसी इक्वेशन का, इसी समीकरण का सत्यापन करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, समीकरण क्या है, समीकरण ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारा समीकरण है, इसका बायां पक्ष है ये और दायां पक्ष है ये, ठीक है, और x बराबर माइनस एक इसका एक हल है। तो हम बायां पक्ष निकालेंगे, बायां पक्ष क्या होगा, x प्लस फाइव बाय टू माइनस एक प्लस पांच बटा दो, चार बटा दो जो कि होगा दो। अब हम दायां पक्ष निकालते हैं, दायां पक्ष क्या है, एक माइनस एक्स एक्स, तो वन माइनस, तो ये भी कितना हो गया दो। तो फिर से आप देखें कि बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर है। तो हमने इस उदाहरण में क्या किया, हमने इस उदाहरण में पहले एक समीकरण को हल किया, उसका उत्तर निकाला जो कि आया x बराबर माइनस एक, और उत्तर निकालने के बाद हमने उस उत्तर और उस समीकरण का सत्यापन भी किया। अब हम देखते हैं कुछ शाब्दिक प्रश्न। शाब्दिक प्रश्न क्या होते हैं, जैसे अभी तक मैंने आपको समीकरण दिया, अब शाब्दिक प्रश्नों में क्या होगा कि आपको समीकरण दिए नहीं जाएंगे, आपको कुछ शर्तें दी जाएंगी, कुछ आपको कंडीशंस दी जाएगी, और उन शर्तों से आपको समीकरण बनाना होगा। जैसे आप एक उदाहरण देखें, आपके पास कोई भी दो प्राकृत संख्याएं हैं और उनका अंतर आपको दिया है कि उनका अंतर 76 ही होना चाहिए, ठीक है, उनका अंतर 76 ही होगा, और बड़ी संख्या को अगर हम छोटी से भाग दें तो हमें भागफल कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो आपको यहाँ पे दो शर्तें दी हैं, आपको इन दोनों शर्तों को पूरा करते हुए समीकरण लिखना है। तो मान लीजिए कि छोटी संख्या हमारे पास क्या है, x, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 76। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 76, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 76 है। अब आपको बोला गया है भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर जो भागफल आता है वो 5 होता है। तो बड़ी संख्या है कितनी, x प्लस 76 बटा x, ये हमने इसको बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया, बराबर 5, ये आ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ये समीकरण है, ये इस शाब्दिक प्रश्न के लिए ये समीकरण है, ये इस शाब्दिक प्रश्न का समीकरण है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, हल कैसे करेंगे वो तो आप सबको आता ही है, जैसे x प्लस 76 बटा x बराबर 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 76 बराबर 5x, ठीक है, ये होगा 4x बराबर 76। तो x कितना आ जाएगा, 76 बटा 4, आप चेक कर सकते हैं ये होगा 19, कितना आ गया x, 19। तो हम ये देख सकते हैं कि छोटी संख्या वो है x और वो है 19, और बड़ी संख्या होगी 19 प्लस 76,
क्योंकि अंतर 76 का था। ठीक है, तो ये हो गया 95। अच्छा अब देखेंगे हम किसी भी, अब इसका सत्यापन हम करना चाहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि किसी भी शाब्दिक प्रश्न का सत्यापन करने का मतलब क्या होता है। किसी भी शाब्दिक प्रश्न के सत्यापन का मतलब होता है हम उस उत्तर, जो भी हमारे पास उत्तर आया है वो हमारा उत्तर प्रश्न में दी गई सभी शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर वो सभी प्रश्नों को, अब सभी प्रश्न की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है तब तो हमारा उत्तर सही है, और अगर नहीं कर रहा तब हमारा उत्तर गलत है। तो पहली शर्त इस प्रश्न में क्या थी? पहली शर्त इस प्रश्न में ये थी कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? 76 होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या जो है वो 76 होना चाहिए। तो बड़ी संख्या हमारे पास आई 95 और छोटी संख्या आई 76। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर सच में 76 है, सच में 76 है। तो पहली शर्त जो है वो सही है, मतलब हमने पहली शर्त पूरी कर ली। अच्छा दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि बड़ी संख्या को जब हम भाग दें छोटी संख्या से तो भागफल आना चाहिए 5, अर्थात बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या आना चाहिए 5। तो 95 जो है वो बड़ी संख्या है और 19 जो है छोटी संख्या है, तो हम भाग देंगे, हमने भाग दिया। तो हमने भाग देके ये देखा कि इन दोनों का भागफल सच में 5 आता है, अर्थात दूसरी शर्त भी पूरी हुई है, मतलब हमने दोनों शर्तें पूरी तरीके से अच्छे से पूरी कर दी है। अर्थात जो हमने उत्तर निकाला है बड़ी संख्या बराबर 95 और छोटी संख्या बराबर 19 वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई हेराफेरी या कोई गड़बड़ नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा एक चर वाले समीकरण हम कैसे हल करते हैं, समीकरण कैसे हल करते हैं, इनका सत्यापन क्या होता है, ये दो चीजें आज हमने सीखी। थैंक यू।